जेस कर न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम में एक बॉलर यानी गेंदबाज की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने जनवरी 2020 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम जेस मैकेंजी केर है और इनका जन्म 18 जनवरी 1998 वेलिंगटन न्यूजीलैंड में हुआ। इनके पिता का नाम रॉबी केर और इनकी माँ का नाम जे एफ मरी और इनकी बहन का नाम अमेलिया केर है। जेस केर दाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 24 यानी 24। जेस केर की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 56। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 9 फरवरी 2020 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 140। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 27 जनवरी 2020 को ये भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। और जेस केर डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वेलिंगटन लंदन स्प्रिट और ब्रिस्बेन हीट WBBL से खेलती हैं। जेस केर ने तवा इंटरमीडिएट कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और इन्होंने अपनी बहन अमेलिया केर के साथ बचपन से क्रिकेट खेला। क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड पूरा क्रिकेट से है, इनकी माँ और पिता दोनों डोमेस्टिक लेवल पर वेलिंगटन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इनकी छोटी बहन अमेलिया केर न्यूजीलैंड के लिए खेलती हैं और इनके दादा ब्रूस मरे ने न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। साथ में इनकी चचेरी बहन शिला डंकन ने भी न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में प्रतिनिधित्व किया। जेस केर ने 2016 से वेलिंगटन के लिए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत की और अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत जेस केर को जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड की महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय और महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया और 27 जनवरी 2020 को न्यूजीलैंड के लिए अपना ODI डेब्यू किया। और फिर इसी महीने ऑस्ट्रेलिया में 2020 ICC महिला 2020 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया और 9 फरवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए अपने T20I की शुरुआत की और फरवरी 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए इन्हें न्यूजीलैंड की टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया और जून 2022 में इंग्लैंड में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जेस केर को न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया, लेकिन यहाँ इन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पाया। तो हम जेस केर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।